हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू कैसे हो आप लोग आई एम गुलाब सा योर मेंटोर एंड आई वेलकम यू वंस अगेन टू अनदर सेशन ऑफ फाइनेंस करंट अफेयर्स आज के क्लास में हम दो इम्पॉर्टेंट फाइनेंस न्यूज़ डिस्कस करेंगे जो आजकल न्यूज़ में हैं बट दे आर फैक्चुअल वंस ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी एग्जाम से पूछे जाते हैं फेज़ वन में आर बी आई के एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं इनफैक्ट फ़ेज़ टू में भी दे आर सर्टन वन मार्कर का क्वेश्चन तो यहाँ से वन मार्कर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सो द फर्स्ट न्यूज़ पर्टेन्स टू आर बी आई एंड द सेकेंड न्यूज़ इज़ अबाउट सेबी सेबी ने कुछ गाइडलाइंस निकाले हैं कुछ डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स की बात करी है आर बी आई ने बेसिकली कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो उसने इम्पोज करी थी उसको लिफ्ट कर दिया है उसको हटा दिया है सो दीज आर द टू न्यूज़ दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे बट बिफोर दैट दे आर सर्टेन इन्फॉर्मेशन फॉर यू द फर्स्ट इज़ ऑब्वियसली अबाउट द लाइव क्लासेस अगर आपने अब तक नहीं देखा है वेबसाइट विजिट कीजिए और वहाँ पर चेक कीजिए उसके अलावा हमारा ऐप है अनुजिंदल डॉट इन आपको अगर कोई भी पास्ट एग्ज़ाम्स के पेपर्स देखने हैं या उसकी स्ट्रैटी जाननी है या फिर आपको हमारे जो फ्री मटेरियल्स होते हैं क्विज़ेस होते हैं इन सब की एक्सेस आपको इस ऐप से मिल जाएगी सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट न्यूज़ वेयर बाय इट सेज दैट आरबीआई हैज़ लिफ्टेड द रेस्ट्रिक्शन ऑन अमेरिकन एक्सप्रेस सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या रेस्ट्रिक्शंस था जो अमेरिकन एक्सप्रेस पर लगाई गई थी तो जो अमेरिकन एक्सप्रेस है इट इज़ बेसिकली कार्ड नेटवर्क कंपनी ग्लोबल कार्ड नेटवर्क कंपनी है अब कार्ड नेटवर्क क्या होता है कार्ड तो नेटवर्क को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था हमारा जो वीडियो था चार्जेस ऑन यू पे आई पर वहाँ पर हमने बाकी और भी जो इंटरमीडियरीज हैं जो और भी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी भी डिस्कशन करी थी एट लेंथ तो वहाँ से आप उनको देख लेना यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ तो जो कार्ड नेटवर्क होता है वो बेसिकली आपके जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है एक कस्टमर सपोज़ एक कस्टमर है और एक मर्चेंट है कस्टमर और मर्चेंट के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन है होता है उसकी प्रोसेस और उसकी सेटलमेंट को करवाता है हमारा कार्ड नेटवर्क ठीक है सपोज़ आप कस्टमर हो आपका अकाउंट एसबीआई में है और जो मर्चेंट है उसका अकाउंट सिटी बैंक में है फॉर एग्जांपल तो so, एस और सिटी से पैसे कैसे ट्रांसफर होंगे उसकी पूरी जो सेटलमेंट प्रोसेस होती है वो ये कार्ड नेटवर्क देखता है so, SBI SBI तो कार्ड नेटवर्क बेसिकली प्रोवाइड्स यू विद द इंटरऑपरेबिलिटी ऑपरेबिलिटी एस बी आई से एस बी आई तो डायरेक्टली हो जाएगी एस बी आई से सिटी हो एच डी एफ सी हो कोई भी और बैंक हो उसके बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है चुटकियों में वो करवाता है हमारा कार्ड नेटवर्क सो दे आर पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स दैट हेल्प्स इन द प्रोसेसिंग एज वेल एज सेटलमेंट ऑफ योर ट्रांजेक्शन अब कार्ड नेटवर्क्स बहुत तरीके के होते हैं आपने सुना भी होगा आप अपना एटीएम कार्ड उठाइए या अपना क्रेडिट कार्ड उठाइए कोई सा भी कार्ड उठाइए आपको वहाँ देखने को मिलेगा कि किसी किसी कार्ड में अमेरिकन एक्सप्रेस लिखा होता है किसी किसी कार्ड में मास्टर कार्ड मेस्ट्रो या फिर रुपे कार्ड जैसे एस का रुपे कार्ड आता है तो ये सारे कार्ड नेटवर्क हैं ठीक है तो ऐसा ही एक कार्ड नेटवर्क है जिसका नाम है अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन एम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में अब इस पर जो भी बिज़नेस रेस्ट्रिक्शंस थी तो हम हम ये कह रहे थे कि रेस्ट्रिक्शंस क्या था तो आर ने 2021 में दैट इज़ लास्ट ईयर मे में कुछ सर्कुलर इशू किए थे ऑन स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा क्या होता है तो जब भी भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हो ट्रांजेक्शन्स डिटेल्स हो गए बाकी आपके नाम आपका कार्ड नंबर जितने भी ट्रांजेक्शन्स है कहाँ कौन से मर्चेंट से आपने ख़रीदा है क्या ख़रीदा है क्या तो क्या ख़रीदा या ऑल ऑफ दीज डेटाज आर नोन एज पेमेंट सिस्टम डेटा जब भी कोई पेमेंट होती है उसमें जो भी डेटा होता है उसकी स्टोरेज को लेके कर आर ने कोई रेगुलेशन या सर्कुलर रिलीज करी थी और उस टाइम पे आर ने तीन बड़े कार्ड नेटवर्क्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगाया था कि आप नए कस्टमर्स को और ऑन बोर्ड नहीं कर सकते नए कस्टमर्स को और कार्ड आप इशू नहीं कर सकते जब तक आप हमारे जो रेगुलेशन है उसको फुलफिल नहीं करते ठीक है तो अमेरिकन एक्सप्रेस मास्टर कार्ड और डाइनर्स क्लब तीन कार्ड नेटवर्क पे ये रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था तो अमेरिकन एक्सप्रेस रह गया था बाकी मास्टर कार्ड और डायनर्स क्लब ने जो भी सर्कुलर था सर्कुलर था उससे कंप्लाई किया था एंड सिमिलरली कम्प्लाई uh, किया था और आर ने उनसे रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिए थे पर जो हमारा अमेरिकन एक्सप्रेस था ये ढीट निकला इसने जो सर्कुलर uh, था जो रेगुलेशन था उसको फुलफ़िल ही नहीं किया उन्होंने कम्प्लाई ही नहीं किया इसलिए आर ने पिछले एक साल से जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे रेस्ट्रिक्शन क्या था कि आप नए कस्टमर्स को कार्ड नहीं दे सकते नए कस्टमर्स बोर्ड नहीं कर सकते वो रिस्ट्रिक्शन साल भर तक चली जब तक उन्होंने सेटिस्फैक्ट्री कम्प्लायंस शो नहीं किया और उनको मना कर दिया कि आप नहीं कर सकते तो so, फाइनली अब जाके इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड इन द एंड ऑफ अगस्त आर बी आई हैज फाइनली लिफ्टेड द रेस्ट्रिक्शंस डेट वॉज इम्पोज अमेरिकन एक्सप्रेस एंड नाउ अमेरिकन एक्सप्रेस आर अलाउड टू इशू न्यू कार्ड्स एंड देयर बाय ऑन बोर्ड न्यू कस्टमर्स ऑन इट्स कार्ड नेटवर्क अब नए कस्टमर्स को भी सपोज़ कोई नया कस्टमर आता है उसने एस मान लो कोई सा भी बैंक ले लो एच में अपना अकाउंट खुलवाया अब उसको अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड नेटवर्क वाला कार्ड भी मिल जाएगा आई होप आपको न्यूज़ समझ आ गया अब ये समझते हैं कि इशू क्या था स्टोरेज ऑफ डेटा को लेके यही था ना सर्कुलर की स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा पे सर्कुलर आई थी उसको इन्होंने फुलफिल नहीं किया था सो वॉट वॉज द इशू तो बेसिकली क्या हुआ था 2018 में आर ने सारे कार्ड नेटवर्क्स को मैंडेटरली कह दिया था कि जितनी भी पेमेंट सिस्टम रिलेटेड डेटा होंगे वो इंडिया में ही रहने चाहिए ऐसा क्यों और ये कौन कौन से डेटा हैं तो इंडिया में जब भी भी आप पेमेंट कर रहे हो ऑनलाइन कर रहे हो ऑफलाइन कर रहे हो अपने कार्ड्स को यूज़ करके ठीक है तो वो जो डेटा होती हैं एज़ योर एंड टू एंड ट्रांजेक्शन डिटेल्स आपका कार्ड नंबर योर सी वी योर एक्सपाई एक्सपायरी डेट ऑल ऑफ़ दीज डेटा उसके अलावा किस मर्चेंट से ख़रीदा कहाँ से ख़रीदा कितने अमाउंट का ख़रीदा क्या क्या ख़रीदा ऑल ऑफ दीज डेटा जो भी प्रोसेस हो गए हैं कैरीड किए गए हैं दीज आर योर पार्ट ऑफ़ पेमेंट डेटा और आर ने कहा कि ये जितने भी डेटा हैं ये सारे इंडिया में ही रहने चाहिए इंडिया के बाहर आप उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते तो जैसे मैंने बताया ये ग्लोबल कार्ड नेटवर्क्स हैं वो वहाँ पे इस डेटा को यूज़ करके कुछ और एनालिसिस कर लें या फिर दे आर कंसर्नस की सिक्योरिटी इश्यूज हो जाएं उनको समझ रहे हो तो सिक्योरिटी कंसर्न पर्पज़ से आर ने कहा था कि वो इंडिया में ही रहने चाहिए हावे अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है सपोज मैंने अपने कार्ड से किसी फॉरेन कंट्री में ट्रांजेक्शन करी अगर फॉरेन ट्रांजेक्शन है मर्चेंट इंडिया का है कस्टमर बाहर का है या कस्टमर इंडिया का है मर्चेंट बाहर का है इन सच केस ऐसे डेटा को आप बाहर भेज सकते हो फॉरेन कंट्री में भी स्टोर कर सकते हो बट जो एंटायरली डोमेस्टिकली इंडिया में हो रही है इस डेटा को आप स्टोर नहीं कर सकते सो दैट आर बी आई कैन हैव फुल एक्सेस ऑफ ऑल ऑफ दीज डेटा और ऐसा ना हो कि डेटा की चोरी हो रही हो और कंप्लीट अन कंट्रोलेबल एक्स सुपरवाइजरी एक्सेस हो आर बी आई की ऐसा नहीं कि उन्होंने डेटा बाहर भेज दिया और इंडिया आर बी आई के पास एक्सेस ही नहीं या कंट्रोल्ड मैनर में एक्सेस है तो अनफेटर्ड सुप सुपरवाइजरी एक्सेस कर पाए आर बी आई और बेटर मोनिटर कर पाए इन सब ट्रांजेक्शन्स को ठीक है क्योंकि ये जो सारे ट्रांजेक्शन डिटेल्स होते हैं ये आपकी इंटरमीडियरीज थर्ड पार्टी तक भी रहते हैं तो बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है जो आर बी आई नहीं चाहती थी कि ऐसा हो तो इसके लिए आर ने कुछ टाइम लाइन दिए थे द फर्स्ट टाइम लाइन वाज की आपको विद इन अ पीरियड ऑफ सिक्स मंथ्स दैट इज़ अक्टूबर 2018 तक इस रूल से कंप्लाई करना है और इसके अलावा आपको रिपोर्ट भी फाइल करनी है आर के पास कि येस वी हैव ऑलरेडी कम्प्लाइड विद द डायरेक्शन दैट वाज इन दैट वॉज इशूड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ऑल्सो सबमिटेड अ सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट तो क्या होता है जब भी ऐसे कुछ रेगुलेशन होती हैं तो आर कहता है कि आपको एक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी है एक एक्सटर्नल एजेंसी आएगी ऑडिट करेगी कि यस ये सारा डेटा इंडिया में ही रह रही है बाहर नहीं जा रही है और ये जो ऑडिट रिपोर्ट होगी इट शुड बी फुल्ली साइंड या फिर उनकी भी रजामंदी होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनकी रज़ामंदी होनी चाहिए इस ऑडिट रिपोर्ट में और फिर आप इसको सबमिट कर दो आर के पास सो दिस वॉज द न्यूज़ वेरी सिंपल राइट अब आते हैं एक वेरी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पे सो सेक्शन पर बेसिकली मैं सेक्शन प्रेफर नहीं करती आप लोगों को सजेस्ट नहीं करती कि आप याद करो बट ये जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट का सेक्शन टेन है एंड सेक्शन एटीन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट तो ये आप याद रख सकते हो मे बी फेज वन में वन मार्कर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए अंडर विच सेक्शन आर बी आई हैड इशूड द डायरेक्शन टू स्टोर द पेमेंट सिस्टम डेटा इन इंडिया इट इंडिया में डेटा रहना चाहिए जितने भी पेमेंट रिलेटेड है वो किस सेक्शन के अंदर आती है दैट इज अंडर सेक्शन टेन रेड विथ सेक्शन एटीन ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट आई होप आपको समझ आ गया लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द सर्टन डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट दैट सेबी है सेट अप फॉर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज तो क्या है ये डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट तो बेसिकली सीबी ने ये कहा है कि जितने भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैं उनको ये बोला गया है कि आप मैंडेटरली डिस्क्लोज़ करोगे इन्वेस्टमेंट्स को जो ऐसे लोगों ने किया है जो एसोसिएट के डेफिनेशन में नहीं आते वॉट इज़ द न्यूज़ जितने भी एंटिटीज़ हैं जो एसोशिएट के डेफिनेशन में नहीं आते उनके लिए ये मैंडेट्री है कि वो अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स जो इन्होंने सिक्योरिटीज़ में किया है उसका स्कीम वाइज डिस्क्लोजर करें और सेबी को सबमिट करें समझ गए जो एसोसिएट नहीं है उनके लिए ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आया गया है नाउ व्हाट इज़ दिस एसोसिएट एसोसिएट होता क्या है उसको समझना ज़रूरी है और आर ने ये डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क क्यों लाया सेबी ने सॉरी सेबी ने यह डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क इसीलिए लाया बिकॉज़ सेबी ने रिसेंटली अमेंड किया था एसोशिएट के डेफ़िनेशन को एसोशिएट वो लोग होते हैं या ऐसी एंटिटी होती हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल रखती है आपके एसेट मैनेजमेंट कंपनी पे या फिर ट्रस्टी पे या फिर स्पॉन्सर्स पे सो दीज आर पार्टिसिपेंट्स ऑफ दी म्यूचुअल फंड अब आपको बहुत ब्रीफ में और बहुत शॉर्ट में आपको समझाती हूँ कि म्यूचुअल फ़ंड में होता क्या है सपोज एक कंपनी सोचती है कि चलो मुझे एक म्यूचुअल फ़ंड क्रिएट करना है सो दैट कंपनी विल बी नोन एज एन एसोशिएट कंपनी एक एसोशिएट कंपनी है जो म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना चाहती है अब यह कंपनी डायरेक्टली नहीं कर सकती अब इस एसोशिएट कंपनी के स्पॉसर्स होंगे तो दीज आर द स्पॉन्सर्स स्पॉन्सर्स किस को बोला जाता है सो एसोशिएट कंपनी के प्रोमोटर्स जो होंगे डायरेक्टली कंपनी तो नहीं करेगी जो प्रोमोटर्स होंगे एसोसिएट कंपनी के वो बनते हैं स्पॉन्सर्स जो फंड करेंगे इस म्यूचुअल फंड को ठीक है तो म्यूचुअल फंड को बेसिकली जो मैनेजमेंट है जो या फंड प्रोवाइड करना होता है इनिशियली म्यूचुअल फ़ंड होता क्या है कलेक्टिव पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आप कलेक्टिवली पूल कर रहे हो राइट right? इन्वेस्टमेंट्स को तो ये प्रोवाइड करता है स्पॉन्सर्स एंड स्पॉन्सर्स आर नथिंग बट द प्रोमोटर्स ऑफ द एसोसिएट कंपनी आई होप आपको ये समझ आ गया ये वाला पार्ट अब स्पॉन्सर्स क्या करेंगे स्पॉन्सर्स डायरेक्टली अब सेबी क्या कहता है कि स्पॉन्सर्स डायरेक्टली नहीं मैनेज कर सकते सारा कुछ हमें इन्वेस्टर इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के बारे में भी सोचना है सो फॉर हैविंग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड इन ऑर्डर टू हैव अ गार्डियन फॉर द इन्वेस्टर्स सेबी ने कहा है कि एक ट्रस्टी भी होनी चाहिए ठीक है तो अब जो स्पॉन्सर्स हैं वो ट्रस्टी अपॉइंट करेंगे तो स्पॉन्सर्स विल बी अपॉइंटिंग दी ट्रस्टीज हु विल बी एक्टिंग एज ए गार्डियन टू द इन्वेस्टर्स ऑफ दिस म्यूचुअल फंड ठीक है ट्रस्टी का रोल आप समझ गए वो ये इंश्योर करेगा कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं रिगार्डिंग द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री mm. वो कंप्लाई किए जा रहे हैं एंड इन्वेस्टर्स आर फुल्ली प्रोटेक्टेड उनके साथ कोई धोखा नहीं हो रहा कोई फ्रॉड नहीं हो रहा ट्रस्टी समझ गए अब आता है मैनेज करने का मैनेज कौन करेगा फंड मैनेज कौन करेगा सो स्पॉन्सर्स नाउ अपॉइंट एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी नो दीज आर दी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे स्कीम्स आएंगे स्कीम्स एक तो लेकर आएगा सपोज स्कीम्स क्या होते हैं हाइब्रिड सिक्योरिटी लेकर आ गई या फिर इक्विटी बेस्ड सिक्योरिटी लाए या डेट डेट बेस सिक्योरिटी लेके आए या बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं आपके रिटायरमेंट के लिए कोई सिक्योरिटी आ गई सो ऑल ऑफ दीज स्कीम्स विल बी इंट्रोड्यूस बाय दिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी और इन सब को मैनेज करेगा एसेट मैनेजमेंट कंपनी अब देखो ये कंपनी है एंड इट इट विल रजिस्टर्ड अंडर एक्ट ऑफ़ 2013 तो एक कंपनी को बनाएगी स्पॉन्सर्स एक रेस करेगी जो मैनेज करेगा पूरे म्यूचुअल फंड को आई होप आपको समझ आ गया एसोसिएट क्या है अब देखो एसोसिएट का कंट्रोल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डायरेक्टली स्पॉन्सर्स पे रहेगी इनडायरेक्ट भी हो सकता है ट्रस्टी पे भी रहेगी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी पे भी रहेगी आई होप आपको एसोसिएट समझ आ गया अब सेबी ने क्या किया एसोसिएट की डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया वॉट इज़ द चेंज सेबी ने कहा कि जो एसोसिएट है उनमें वो एंटिटीज़ नहीं आएगी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के बेनिफिशियरी के इन्वेस्टमेंट को देखती है ठीक है दैट मीन्स एसोसिएट्स विल नॉट इंक्लूड दो स्पॉन्सर्स ऐसे स्पॉन्सर्स ऐसे प्रमोटर्स को नहीं इंक्लूड करेंगे हु इन्वेस्ट इन वेरियस कंपनीज ऑन बिहाफ ऑफ देनिफिशरीज ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसीज इंश्योरेंस पॉलिसी या ऐसे जैसे ऐसे कुछ अगर स्कीम्स हैं उसमें अगर कोई स्पॉन्सर इन्वेस्ट करता है तो दैट स्पॉन्सर विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एसोशिएट आई होप आपको समझ आ गया होगा ज़्यादा टिपिकल नहीं है बस आपको ये ध्यान रखना है कि एसोसिएट uh, का जो डेफिनेशन था सेबी ने रिसेंटली उसको चेंज किया जिसमें ये बोला अगर कुछ स्पॉन्सर्स हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के बेनिफिशरीज़ जो होते हैं उनमें अगर इन्वेस्ट करता है तो वो एसोसिएट नहीं कहलाएगा अब अगर वो एसोसीट नहीं कहला रहा है तो और एसोसिएट नहीं कहला रहा है अगर ऐसा स्पॉन्सर अगर ऐसा स्पॉन्सर अब यहाँ पे एसोसिएट कंपनी नहीं है अब ये स्पॉन्सर ऐसा है जो इंश्योरेंस देख रहा है अब ये भी अपना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री तो शुरू कर ही सकता है तो ऐसा जो स्पॉन्सर है जो एक एसोसिएट नहीं है उसके लिए डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है और सेबी ने कहा है कि सच एसो सच स्पॉन्सर विल हैव टू मैंटरिली डिसलोज सर्टन नोम्स उसको डिसक्लोज करने पड़ेंगे कि उसने क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ किए हैं आई होप आपको समझ आ गया है ना लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड यहाँ पे स्कीम क्या होता है सो दिस इज जस्ट फॉर यू एक नज़र मार लेना है इस पर कि स्कीम्स कैन डिपेंड बेस्ड ऑन इक्विटी स्कीम है या डेट स्कीम है या हाइब्रिड है या सोल्यूशन ओरिएंटेड है जैसे मैंने बताया रिटायरमेंट है रिटायरमेंट फंड हो गया चिल्ड्रन फंड हो गया या फिर आपके इंडेक्स फंड हैं या फिर फंडस ऑफ फंड हैं सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ स्कीम्स दैट कैन बी अंडर द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री सो ये बस आप नज़र मार लेना मोटा मोटा आप सबको पता ही होगा राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाट आर दी अदर डिस्कलोजर्स क्या क्या डिस्क्लोजर करना है तो so बेसिकली जो ये स्पॉन्सर्स हैं इंश्योरेंस वाले जो एसोसिएट uh, नहीं कहलाएंगे दे विल हैव टू मेक अ डिस्क्लोजर बाय हैविंग एन आईएसआईएन बेसिस पे मतलब दे शुड एनश्योर जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है दे शुड इन्श्योर द डिस्क्लोजर ऑफ़ द इन्वेस्टमेंट शुड इंक्लूड आईएसआईएन वाइज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एक तो वैल्यू टर्म्स में आपको डिस्क्लोज करना है कि कितना आपका फ़ंड है एंड सेकेंडली वैल्यू एस ए परसेंटेज ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट आप जितना मैनेज कर रहे हो उसका परसेंटेज कितना आप स्पॉन्सर्स बन के कर रहे हो राइट परसेंटेज फॉर्म में आपको बताना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है हर सपोज आपने डेट में किया इक्विटी में किया तो डेट में कितना किया एज ए परसेंटेज ऑफ योर टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट इक्विटी में कितना किया एज ए परसेंटेज ऑफ योर टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट तो वो आपको टोटल बताना है और फिर परसेंटेज वाइज आपको डिसक्लोज करना है और वो भी आई बेसिस पे आई का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं आई एस आई एन स्टैंड फॉर इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर ये एक यूनिक ट्वेल्व डिजिट नंबर होता है जैसे पैन कार्ड हो गया वैसे ही जो हमारा आई एस आई एन है ये एक यूनिक ट्वेल्व डिजिट नंबर होता है जो सारी सिक्योरिटीज़ को असाइन किए जाते हैं ठीक है थीके? और ये आपको बेसिकली बताता है कि आपने किस टाइप की सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट की है फर्स्ट थिंग एंड सेकेंडली आपको ये भी पता चलता है कि वॉट इज़ द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट सपोज़ और ये देखो इंटरनेशनल डिजिट है इंटरनेशनल इन द सेंस कि सपोज कोई बाहर का इंसान इन्वेस्ट कर रहा है या फिर आपने इंडिया में भी इन्वेस्ट किया यूएस में भी इन्वेस्ट किया अब आपकी इस आई एस आई एन नंबर से पता चल जाएगा कि टोटल कि इन्वेस्टमेंट कितनी है वही तो इनको डिस्क्लोज करना है स्पॉन्सर्स को ये डिस्क्लोज करना है कि इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है अक्रॉस ऑल द जोग्राफीज इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड कितनी इन्वेस्टमेंट्स है टोटल वो आपको बताना है बेस्ड ऑन दी आई एस आई एन कोड आई एस आई एन का फुल फॉर्म याद रखना इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर अब ये जो डिस्क्लोजर है वो दो जगह जाएगी फर्स्ट एक ए जो उस म्यूचुअल uh, फंड uh, को मैनेज कर रही होगी रिस्पेक्टिव ए की वेबसाइट पे, दूसरी ए एम एफ आई जो मैन जो हेड uh, है जो देखता है पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया और ये डिस्क्लोजर आपको विद इन अ मंथ करना है फ्रॉम द क्लोज ऑफ द क्वार्टर चार क्वार्टर्स होते हैं सपोज अप्रैल मई जून जून में आपका क्वार्टर ख़त्म हुआ जुलाई एंड तक आपको इंश्योर करना है कि आप ये डिस्क्लोज कर दो अपने कंपनी की वेबसाइट पे और एएमएफआई की वेबसाइट पे सो दिस वाज द टू वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसमें क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं इसका आपको ये पूछ सकता है दूसरा किस सेक्शन के अंदर आर ने रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज़ किए थे कि कोई भी पेमेंट रिलेटेड डेटा है वो बाहर नहीं जाएगी तो so, ऐसे क्वेश्चंस फैक्चुअल क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं नाउ दे आर टू क्वेश्चंस फॉर यू बेस्ड ऑन वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड फर्स्ट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ विच ऑफ द कार्ड नेटवर्क कौन से कार्ड नेटवर्क पे आर ने रेस्ट्रिक्शंस जो लगाए थे उनको हटाए हैं एंड सेकेंडली वॉट दस आई एस आई एन स्टैंड फॉर इनका आंसर्स ऑफ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना इस तरीके से आपको इनके आंसर्स भी याद हो जाएंगे सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे आई होप यू लाइक द सेशन आंसर्स आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड ये पी आपको मिल जाएगा सेशन के बाद या सेशन के टाइम पे ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे और रही बात कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आप सारे इन्फॉमेशन यहाँ नहीं प्रोवाइड कर सकते सो आर टू थिंग्स फर्स्ट एक बहुत बल्कि हो जाएगा हमारा पीपीटी और फिर वो पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगेगा दूसरा जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं हमारे उनकी जो फाइनेंस करंट अफेयर्स की मैगज़ीन आती है वहाँ पे डिटेल में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है ठीक है तो ज़्यादा टेंशन ना लो हो जाएगा दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द सेशन टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय